कश्मीर में परेशानी नहीं, कश्मीर में देखिए, कश्मीर के हमने हमारे बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वहाँ पर हमारे पास जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे कि वहाँ पर इस तरह का जुल्म जबर हो रहा है, तो जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर आई कि वहाँ पर पिछले 2.5-3 महीने में ना तो कोई पत्थरबाजी हुई है, ना किसी किस्म के जोर जबर हुआ, ना किसी किस्म की कत्लोगारत हुई है वहाँ की जो फोर्सेज वहाँ लगी हुई उनके ज़रिए। हाँ, लोगों में नाराज़गी थी कि उनकी बेसिक जो ज़रूरत है, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम है, बिज़नेस लोगों के ठप हो चुके हैं, जो किसान हैं उनकी खेती, जो जैसे सेब की खेती वहाँ बहुत अच्छी होती है, तो उन लोगों को जो लॉस हुआ है उसके लिए वो लोग सदमे में भी हैं, गुस्से में भी हैं, उसके लिए उसके सद्देबाप किया जा सकता है, उसकी उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, उसके लिए हमने रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मैंने पूरी एक रिपोर्ट दीवान साहब किबला की खिदमत में दी है, क्योंकि हम आपके डायरेक्शन पर गए थे, तो आप अपने लेटर पैड पर इंशाल्लाह हुकूमत से उसकी डिमांड करेंगे और वहाँ की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी काउंसिल में माशाल्लाह 300 से ज़्यादा दरगाहें जुड़ चुकी हैं और हर स्टेट में हमारी काउंसिल के नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हर स्टेट में इंफरादी ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम कैपेबल हैं तो हम हमारी तरफ से शुरुआत करें सूफी सेंटर के लिए ज़मीन खरीद करके वहाँ बनाने की, और नहीं तो हुकूमतें जो हैं सूबाई हुकूमतें उनसे हम लोग रابطہ कायम करें और उनसे हम उनके हेल्प लेकर के सूफी सेंटर को इस्टेब्लिश करें, जिससे तसव्वुफ़ और सूफिज़्म की तालीम खासतौर से यंग जनरेशन को जो प्रेजेंट सिनेरियो है पूरी दुनिया का, जो नफरत का माहौल, उसको दूर करने के लिए ज़रूरत है।